खैर बात की जाए भिवंडी शहर की तो विकास के कार्य काफी तेज गति से दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ऐसे काम है जो काफी धीमी गति से चल रहे हैं, जिसको लेकर भिवंडी शहर के नागरिक काफी असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, नाराज दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर बात की जा रही है भिवंडी छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से होते हुए जो ग्रामीण भाग को जोड़ता है खाड़ी पार का पुल, जो कि कावेरी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। इस ब्रिज की बात की जाए, ये ब्रिज काफी धीमी गति से बनाया जा रहा है, जिसको लेकर हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष अरफाज शेख ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि जो कॉन्ट्रैक्टर ये काम कर रहा है वो काफी धीमी गति से काम कर रहा है, जिसको लेकर शहर के विशेष तौर पर स्कूली विद्यार्थियों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को और नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात की जाए तो एक जूनी ब्रिज है जो कि कई वर्ष पुरानी ब्रिज है, जिसको हम आपको बता दें कि बंदर मोहल्ला में ये ब्रिज है, जहां पर लोगों का आवक जावक लगा रहता है, लोगों का संपर्क खाड़ी पार और काटाई कांबा थोनी जैसे ग्रामीण भागों में जुड़ा है, लेकिन उस मार्ग से जाने आने के लिए लोगों को घंटों भर ट्रैफिक में फंसा रहना पड़ता है, जिसको लेकर ये भी एक सवाल निशानात खड़ा हुआ कि अगर इस ब्रिज को बनाया जा रहा था, जब निर्माण किया जा रहा था इसका, तो वहां पर पर्याय मार्ग क्यों नहीं निकाला गया। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे चैनल के संवाददाता ने ब्रिज के काम का वहां पर देख सकते हैं कि जो ब्रिज बनाया जा रहा है उस काम के निर्माण का दृश्य दर्शाने का काम किया था। तो वहीं पर हम आपको बता दें कि कई वर्ष पुराना जो ब्रिज बंदर मोहल्ले में है, वहां के स्थानिकों का मानना यह है कि हैवी वर्कर गाड़ियां जो है इस ब्रिज से गुजरती हुई नजर आती है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये ब्रिज भी काफी कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष तौर पर हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए अरफाज शेख ने अपने वक्तव्य में कहा कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष अबू हाशिम आजमी, भिवंडी पूरब के विधायक रईस शेख उनके साथ में मुख्यमंत्री के समक्ष इन सारी समस्याओं को रखा, जहां पर उन्हें मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया और क्या किया। खास रिपोर्ट को बताएं, जानकारी देंगे, इस ब्रिज का निर्माण ना होने के कारण आपको क्या तकलीफें होती है, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? एक से ज़्यादा टाइम हुआ ये ब्रिज का काम चालू है, और इसके वजह से जो ब्रिज के वो साइड में कम से कम 4 से 5 बहुत बड़े बड़े गाँव है, काटे है, कांबा है, जू है, खाड़ी पार है, खोनी है, और वो जगह ज़्यादातर मतलब स्कूल के विद्यार्थी है, कॉलेज के विद्यार्थी है, तकरीबन 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट लोग रहते वो साइड में, उनको आने जाने की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। और ये पुल का काम जो चालू किया है कोई पर्यायी रास्ता नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और इतने बड़े पुल का काम जो चालू किया है 8 से 10 सिर्फ वर्कर दिख रहे, 8 से 10 वर्कर से ये इतना बड़ा पुल कैसे फास्ट काम होएगा? कहीं मतलब इनका जो काम है वो काफ़ी धीमी गति से चल रहा है, ऐसा मानना आपका? एकदम धीमी गति से चल रही, जिधर 100-150 वर्कर चाहिए उधर सिर्फ 8 से 10 वर्कर है, क्या होएगा? जिस तरह से देखा जाए, गत दिनों पहले आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, शहर की कुछ समस्या थी, क्या मान लिया था, उसके बारे में खुलासा करेंगे? गुप्ता जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खाड़ी पार रसूलाबाद का जो ब्रिज है, वो ब्रिज के ताल्लुक से मैंने बहुत दिन से बात की, इधर उधर बहुत की बात लोगों से मिले, और पब्लिक जो जनता थी, पब्लिक जो थी वो मुझसे सवाल कर रही थी, कटई से, कांबा से, जूहू से, कारोली से, खाड़ी पार रसूलाबाद के लोग, क्योंकि मैं वहाँ का स्थानीय आदमी हूँ, और उनके सवाल इतने ज़्यादा थे और सही थे कि एक साल हो गया ब्रिज तोड़े हुए, ना उसका पर्याय रास्ता दिया उन्होंने, ना उस ब्रिज का पर्याय रास्ता दिया, और जो ब्रिज को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बंदर मोहल्ला ब्रिज, वो ब्रिटिश डिज़ाइन में बना हुआ है, उस पर हैवी व्हीकल चल रहे हैं, वो कभी भी गिर सकते हैं। और आप मुझे बता दीजिए, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो उसी ब्रिज को यूज़ करते हैं, लेकिन जब ट्रैफिक में जाम हो जाते हैं तो स्कूल पहुंचने में 2 घंटा उनको लगता है लेट, और आने में 2 घंटा लेट होते हैं वो, तो आप मुझे बता दीजिए, उनकी पूरी पढ़ाई 1 साल की डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने। नंबर 2, जो ज़्यादातर लोग खूनी, काटई, कारोली, जितने भी ग्राम पंचायत है, ये लोग IGM हॉस्पिटल को यूज़ करते हैं, तो IGM हॉस्पिटल आने के लिए उनको एक ही पर्याय रास्ता है, वो बंदर मोहल्ला ब्रिज, जो इतना जाम होता है कि मरीज अपने घर बैठना पसंद करता है लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, और जब वो पहुँचता है तो डॉक्टर नहीं रहते। तो मुझे आप बताइए कि ये पूरे मुद्दे को लेके मैंने जनाब अबू हाशिम आजमी साहब, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष व आमदार, और रईस शेख साहब जो भिवंडी के आमदार, इनसे मैं डिस्कशन किया कि ये बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, क्योंकि कभी भी ये ब्रिज गिर गया जो ब्रिटिश के टाइम में बना हुआ है, तो लोग आएंगे जाएंगे कहाँ से, वो भी एक रास्ता ख़त्म हो जाएगा। और ये जो कॉन्ट्रेक्टर है, इसको बोल बोल के लोगों ने बहुत सी बातें रखी, गए, लेकिन किसी के संपर्क में नहीं आता, ना ये कभी आते एग्रीमेंट दे पाए क्या है,
कितने साल में कंप्लीट करके देना है, पर्याय रास्ते की क्या पोजीशन है, उसमें और क्या क्या समस्याएं हैं, कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, न ग्राम पंचायत के पास है। तो मुझे सीएम साहब के पास हमारे अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब और रईस शेख के साहब जाना पड़ा नागपुर सेशन में, और इस मुद्दे को रखना पड़ा और उनके कान तक अपनी बातों को, भिवंडी के रसूलाबाद खूनी रसूलाबाद ब्रिज की बात को रखे, और उन्होंने आश्वासन हमको दिया है कि बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होगी, और जो भी इसमें अगर उसमें ठेकेदार गलत पाया जाएगा, गलत तरीके से इन्वॉल्व होगा, तो उस पर कार्रवाई होगी। ये हमें आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, और मैं आपके माध्यम से संदीप भाई बताना चाहता हूँ, अगर कार्रवाई में कुछ थोड़ा भी लेट आगे पीछे हुआ तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं इनका घेराव करके पुलिस स्टेशन में जाकर इन पे FIR दर्ज करवाऊंगा। ये मैं आपके माध्यम से ठेकेदार को और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी भी सुधर जाओ, हमें मुतमईन कर दो, कितने दिन में आप ब्रिज कम्प्लीट करोगे, कब पर्याय रास्ता दोगे, हमें मुतमईन कर दो, जनता को मुतमईन कर दो, पब्लिक को मुतमईन कर दो, हमें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अगर आपने हमें मुतमईन नहीं किया तो ये लड़ाई आगे बहुत बड़ी होगी। ठेकेदार का नाम है, मतलब कौन सी कंपनी को दिया गया है इसके बारे में कुछ आपको मालूम? वो एक कंपनी है, उसका मैंने नाम लेटर में है मेरे में सीएम साहब को जो दिया हूँ गुप्ता जी, ये मैंने सीएम साहब को लेटर दिया है, इसे प्रगति कॉन्ट्रेक्टर की कंपनी है और वो काम कर रही है, ये मेरे को मालूम मिली ग्राम पंचायत के माध्यम से, और ये मैंने डाला है, और ये इस पर ये पूरी आश्वासन हमें सीएम साहब ने दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ TV News, धन्यवाद।